तो आपसे क्या कह रहा है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश। कल मैंने एक चीज आपको शायद समझाई थी, जब सम दिया हो तो हम कैसे करते हैं। सिंपल में यहाँ स्टेटमेंट ही लिख रहा हूं, सम ऑफ मार्क्स, बहुत ही सिंपल सा है, इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। तो अगर मैं ये सपोज करूं लेट मैथ्स मार्क्स इज एक्स, कोई बच्चा मुझे इंग्लिश के मार्क्स बता सकता है कितने हो जाएंगे? इंग्लिश सर एक्स में 31 है। मार्क्स विल बी 30-X। 30-X, यस और नो? कल बताया था ये बात, यस अगर आपको सम दिया हो टू नंबर्स का और आप एक नंबर सपोज कर लें तो दूसरा नंबर सम में से माइनस, सम ज्यादा है ध्यान रखना, सम में से माइनस करके आ जाएगा, ठीक है ये बात। अब यहां से अगर आपने ये लिख लिया तो फिर तो कहानी खत्म हो गई। आपसे कह रहा हैड शी गॉट टू मोर मार्क्स इन मैथ्स, अगर उनके पास मैथ्स में टू एक्स्ट्रा मार्क्स होते, तो अगर टू एक्स्ट्रा मार्क्स होते तो हमारे पास अभी एक्स के मार्क्स कितने हैं, मैथ्स के मार्क्स कितने हैं, एक्स एक्स, एक्स तो अगर प्लस टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू, टू मोर मार्क्स इन मैथ्स। तो मैं पहले रख ली, यहाँ लिख रहा हूँ, अभी हमारे पास एक्स है तो ये एक्स प्लस टू हो जाते केस टू में, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 माइनस हो जाते, तो 30-x माइनस 3 कितना हो जाएगा, 27-x, यस और नो? हाँ यस भाई, सर। ठीक है, 30-x में से 3 माइनस कर दीजिए, तो आपसे क्या कह रहा था, प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो इट बिकम्स 210। तो आपके पास क्या होता है, मैथ्स मार्क्स इंटू इंग्लिश मार्क्स इज इक्वल टू 210, यस और नो? हाँ भाई, समझ में आ गया, मैथ्स मार्क्स इंटू इंग्लिश मार्क्स इज इक्वल टू 210, तो ये हमारे पास है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इफ मैथ्स मार्क्स एक्स प्लस टू एंड इंग्लिश मार्क्स 30-x-3, दैट इज 27-x, तो प्रोडक्ट विल बी एक्स प्लस टू इंटू 27-x इज इक्वल टू 210। बताइए सब बच्चों को, आ गया क्लियर? तो यस सर क्या हो गया जी, 27x-x² प्लस 54-2x इज इक्वल टू 210। सबको एक साइड करो भाई, और एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव भी करो, एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 27-2 25, उस साइड जाके -25 हो जाएगा, 54 उस साइड जाके माइनस होगा, 210-54 कितना होता है, 46 156। तो आपके पास क्या आएगा, प्लस में आएगा, प्लस 156। तो मेरे ख्याल से 13 और 12 फैक्टर भी हो रहे होंगे, यस सर। तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 13x-12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज कॉमन, तो एक्स माइनस 13 माइनस 12 इज कॉमन, अगेन एक्स माइनस 13, तो आपके पास क्या आएगा, एक्स माइनस 13 एंड एक्स माइनस 12, तो आपके पास क्या आया, एक्स इज इक्वल टू 13, और क्या आया, एक्स इज इक्वल टू 12। बताइए बात समझ में आई क्या? यस सर। हाँ जी, बाकी बटालियन? यस सर। यस सर। बस आइए, एक क्वेश्चन और देखिए।